हाय फ्रेंड्स, हैप्पी संडे फंडे। चलिए आज इस बिगेस्ट आर्ट किट को करते हैं एक्सप्लोर, जिसमें है वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स एंड मच मोर। तो ये है हमारी बिगेस्ट आर्ट किट। इसे ओपन करके तो हमें यही लगता है कि लेफ्ट साइड बहुत सारे पेंसिल कलर्स हैं एंड राइट साइड वाटर कलर्स एंड पैलेट वगैरह। बट नो, ये है डबल डेकर आर्ट किट, जिसके नीचे के फ्लोर में है बहुत सारे स्केच पेन्स एंड दूसरी साइड है वाटर कलर ट्यूब्स एंड क्रेयॉन्स। वन मिनट, ये क्रेयॉन्स नहीं ऑयल पेस्टल्स है। पेंसिल कलर्स में तो ऑलमोस्ट सारे शेड्स है एंड स्केच पेन्स रेगुलर साइज से थोड़ी छोटी वाली है, तो मुझे काफी यूनिक लगा। चलिए फटाफट से करते हैं इन्हें ट्राई और बनाते हैं अमेजिंग से DIY। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं पेंसिल कलर्स। दिखने में तो सब कुछ काफी क्यूट क्यूट है, लेकिन ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है। एंड ये साथ में शार्पनर, पेंट ब्रशेस, पेंसिल्स एंड इरेजर्स भी आए हैं। तो हम जो बना रहे हैं उसका नेम भी पेंसिल कलर्स की तरफ P से स्टार्ट होता है। जिन जिन लोगों को पता चल जाए वो जल्दी से कमेंट्स में बताना। एंड यस, पेंसिल कलर्स की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, बस थोड़े से लाइट है। नाउ लेट्स ट्राई वाटर कलर केक्स, एंड ब्रश भी हम इसी किट में से यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पिंक कलर, कलर्स की क्वालिटी तो एकदम सही लग रही है एंड ब्रशेस भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करके रेनबो मंडाला बना रही हूँ। ये किट वैसे लगती है काफी कॉम्पैक्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंसिल कलर, स्केच पेन्स, ऑयल पेस्टल्स, वाटर कलर केक्स एंड वाटर कलर ट्यूब्स, ये सब कुछ है। वाटर कलर केक्स तो ट्राई हो गए, अब क्या ट्राई करें? दीदी नेक्स्ट आइडिया बताओ, तुम मेरे जैसी बनी ड्रॉ करो। वाओ गुड आइडिया, तो क्यों ना तीनों रिंग्स की थीम ट्राई की जाए। सबसे पहले बनी बनाएंगे, देन टॉफी एंड बबल टी। हम यूज करने वाले हैं ये सारी स्केच पेन्स, एंड क्योंकि इन स्केच पेन्स में बनी के जैसा सेम टू सेम कलर नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेड चूज किया। बट यस, सिर्फ शेड चेंज हुए है, बनी तो जैसी है वैसी ही हम बनाएंगे। तो हमारी बनी तो बन गई, आप कमेंट्स में बताना क्या रिंग में है वैसी ही बनी बनी है। तो अब हम ट्राई करेंगे ऑयल पेस्टल्स, काफी मजा आएगा इन कलर्स को ट्राई करने में। तो इन कलर से हम बनाने वाले हैं टॉफी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डॉट से स्टार्ट किया। ये है रिंग वाली टॉफी और ये है हमने बनाई हुई टॉफी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यूज करने वाले हैं वाटर कलर्स, वाटर कलर ट्यूब्स। तो फटाफट से इन्हें भी ट्राई कर लेते हैं। और इसमें हमें चाहिए होगी पैलेट, तो हम किट में जो पैलेट आई है वही यूज करने वाले हैं। एंड क्योंकि ये है वाटर कलर ट्यूब्स, तो इन्हें मिक्स करके वही शेड बनाने की ट्राई की है जो रिंग में है। उसमें एकदम थिन बॉर्डर भी है, तो मैंने रेड और ब्राउन को मिक्स करके वो बॉर्डर बना ली। एंड आवर बबल टी इज रेडी। तो सारे आर्ट सप्लाईज हमने ट्राई कर लिए और सभी से काफी अच्छे से टर्न आउट भी हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पेंसिल कलर्स। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रफ स्केच एंड हम ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल। अरे नहीं नहीं, ये सिंपल वाली पेंसिल नहीं है, ये है कार, जिसमें पिंकी एंड मिंकी राइड करेंगे। अब आप ये गेस करके कमेंट्स में बताइए कि आगे कौन बैठा है, पिंकी या मिंकी। एक्चुअली ये वाला ड्रॉइंग ना बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये पेंसिल नहीं पेंसिल की कार बनने वाली है। तो जब तक मैं फाइन लाइनर मार्कर से आउटलाइन बनाऊं, हम ये सोचते हैं कि पिंकी एंड मिंकी के कलर्स कौन से होंगे आउटफिट्स के। और उसी के साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि आगे जो है वो पिंकी है और पीछे मिंकी है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो दोनों की हेयर स्टाइल्स मैंने अलग अलग बनाई है। अब हम पेंसिल की लाइनिंग्स को फटाफट से इरेज कर लेंगे और कलरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पेंसिल कार को कलर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पेंसिल कलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करने वाले हैं पिंक कलर, और जैसा कि मैंने आपको कहा था ये कलर्स थोड़े से लाइट है जनरल पेंसिल कलर से, तो थोड़ा सा लाइट लाइट कलरिंग हो रहा है। इसे थोड़ा सा डार्क कलर करना था मुझे, लेकिन करने के बाद लगा ये भी काफी सही लग रहा है। एंड नाउ इट्स टर्न टू कलर पिंकी एंड मिंकीज आउटफिट्स। पिंकी का आउटफिट ब्लू कलर का है और उसी कलर का उसका बो है, और मिंकी का पर्पल कलर का।
सो हियर इट इज, अब पिंकी और मिंकी पेंसिल वाली कार में राइड करने के लिए तैयार है। फर्स्ट ड्राइंग तो हमारा हो गया है और वो हमने कर लिया पेंसिल कलर से। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं वाटर कलर से। एंड क्योंकि ये वाटर कलर केक्स है और ये वाटर कलर ट्यूब्स है, बट दोनों है तो वाटर कलर से, तो इन्हें हम करने वाले हैं कुछ यूनिक वे से। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो क्योंकि ये दोनों वाटर कलर्स की डिफरेंट टाइप्स है, इसलिए हम इन सबको एक साथ यूज करने वाला है। एंड वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। पेज को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है। एक साइड हम वाटर कलर केक्स यूज करेंगे और दूसरी साइड वाटर कलर ट्यूब। स्टार्टिंग विद द रफ स्केच, हम बनाने वाले हैं डे एंड नाइट। पूरा होगा तो एक ही ड्रॉइंग, लेकिन हाफ में डे होगा और हाफ में होगी नाइट। तो मैंने बना लिया एक हाउस। हम इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड करेंगे और उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ रफ स्केच इज डन। अब लाइट पेंसिल की लाइनिंग्स दिखे वैसे मैंने इरेज कर लिया। And now let's start painting. दीदी पहले वाटर कलर केक्स यूज करो ना। Yes, of course. मैं भी वही सोच रही थी। So start कर दिया है मैंने medium yellow कलर से and brownish yellow भी थोड़ा थोड़ा add किया। एंड क्योंकि ये डे है तो विंडो में भी हो गए लाइट कलर्स। अरे हाँ, वैसे मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन आपको ड्राइंग देख के पता चल ही गया होगा कि लेफ्ट साइड डे है एंड राइट साइड नाइट। हमने सारे बेसिक कलर्स तो कर लिए है, अब हाउस में डिटेल्स बाकी है और बाकी का पूरा लेफ्ट साइड वाला पेंटिंग। तो वाटर कलर केक्स यूज करके बन गया है हमारा डे वाला पेंटिंग। अब वाटर कलर ट्यूब्स यूज करके कर लेते हैं नाइट वाला पेंटिंग। तो हाउस के हर एक कलर में हम यूज करेंगे लेफ्ट साइड वाले पेंटिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क कलर। फॉर एन एग्जांपल, लेफ्ट साइड हमने किया था मीडियम येलो और राइट साइड हम करेंगे लाइट ब्राउन। साथ में थोड़ा सा और डार्कर शेड के लिए मैंने ब्राउन कलर भी मिक्स किया था। देन रेड एंड ब्राउन को मिक्स करके बनाया मैंने रूफ का कलर। गार्डन में मैंने सबसे पहले मीडियम ग्रीन के साथ स्टार्ट किया एंड देन डार्क ग्रीन। एक्चुअली काफी मजा आ रहा है डे वर्सेस नाइट वाला प्रोसेस कंप्लीट करने में, क्योंकि डे में हमने बहुत सारे लाइट कलर्स यूज किए थे, उसी अकॉर्डिंग नाइट में डार्क कलर्स यूज किए। अब मून और क्लाउड्स को कलर करने के बाद हमारा ये वाले साइड का पेंटिंग भी रेडी है। जैसे ही वाटर कलर्स ड्राई हो गए, मैंने फटाफट से आउटलाइंस बना ली एंड हियर इज द फाइनल लुक। So here it is, हमारा फाइनल आउटपुट बन के रेडी है। अब क्रेयॉन्स एंड स्केच पेन दोनों बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे स्केच पेन से। तो स्केच पेन से हम कुछ यूनिक सी आर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स पेंसिल से रफ स्केच, बट आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली बन क्या रहा है। तो हम बना रहे हैं फ्लिप ओवर मैसेज, जहाँ पे डोर बन रहा है वो ऊपर की साइड रहेगा और अंदर कुछ मैसेज रहेगा। एंड अब मैं आपको देती हूँ कुछ यूनिक सा आइडिया। अभी तो मैं यहाँ पे डोर्स बना रही हूँ, लेकिन अगर हम किसी के बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम केक, बलून्स वगैरह वगैरह भी बना सकते हैं और अंदर कुछ बर्थडे विशेष लिख सकते हैं। तो ये मैंने बना लिए 4 डिफरेंट डोर्स और अब हम यूज करेंगे स्केच पेन्स। तो सबसे पहले मैंने ली पिच कलर की स्केच पेन। ये वैसे पिंक जैसा शेड है, लेकिन पिच कलर है। बट क्योंकि ये स्केच पेन्स में शेड्स बहुत सारे हैं, तो हमें कलर वेरिएशंस तो काफी मिल जाएंगे। एंड ये स्केच पेन्स ना रेगुलर साइज वाले स्केच पेन से होल्ड करने में काफी छोटी लगती है। क्या आपने कभी इतनी छोटी छोटी स्केच पेन से कोई आर्ट बनाई है, तो कमेंट्स में बताना। तो बन गए हैं हमारे 4 डिफरेंट डोर्स एंड ये स्केच पेन से हमने कलर किया है, इसीलिए पेंसिल की लाइनिंग्स इरेज करना काफी इजी रहेगा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया आउटलाइंस बनाना। एंड क्योंकि ये फाइन लाइनर मार्कर्स है, तो छोटे छोटे डोर्स की बॉर्डर्स भी काफी क्यूट होगी। तो 1, 2, 3, 4 आपको बेस्ट कौन सा लगा डोर? एंड अब हम करेंगे इन सब डोर्स को कट, फोल्ड एंड पेस्ट। एंड मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल टू पेस्ट। नाउ इट्स टाइम टू राइट। और मैंने लिखने में भी वही फाइन लाइनर मार्कर यूज की है।
सो हियर इज अवर थर्ड DIY एंड अभी इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि हमने जस्ट बनाया है। जैसे ही बुक बंद रहेगी थोड़ी देर फिर ये अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएगा। अब तो सिर्फ एक ही कलर्स बाकी है जो है ऑयल पेस्टल्स। एंड आई नो रफ ड्रॉइंग से आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम बना रहे हैं समथिंग ऑन रेनबो थीम एंड क्योंकि ये ऑयल पेस्टल्स है तो एकदम स्मूथली चल रहा है और हमारा ड्रॉइंग हमारा कलरिंग भी एकदम फास्ट फास्ट हो रहा है। दीदी जल्दी जल्दी रेनबो बनाओ ना, मुझे उसका फाइनल लुक फास्ट फास्ट देखना है। श्योर, बस बन ही गया समझो। हम बना रहे हैं रेन में रेनबो, तो थोड़ा सा रेन भी बना लें। वाव दीदी ये रेनबो तो बहुत ही क्यूट लग रही है। तो क्रेयॉन से हमने कुछ इस तरह का ड्राइंग बनाया। तो आज हमने टोटल इतने ड्राइंग्स बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पेंसिल वाला, देन नेक्स्ट हमने वाटर कलर ट्यूब्स एंड वाटर कलर केक से बनाया था ना वो, थर्ड हमने बनाया था स्केच पेन से, और फोर्थ वाला है सबसे रिसेंट वाला जो हमने बनाया है क्रेयॉन से। तो ये बिगेस्ट आर्ट किट में आई हुई सारी थिंग्स हमने आज एक्सप्लोर कर ली है। तो अभी मैं करूंगी ये सब कुछ डिक्लटर। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। बाय बाय।